अज मंडी सारी भर जूगी, उस तो बाद कितने जावे फिर? तीन दिन के सारा सिस्टम फेल हो गया। 45 दिन चलाने कहते हैं, किमें चलाउंगे ना? एडी साहब ने गल कर प्रबंध ने जी तुसी परसों वाली ढेरियां पईयां हजे तक घराचों के सारिया ढेरियां कल बोली लग गई सी, कल बारदाना नहीं आया, सारिया उत्थी फेर पईयां ने। सो इस करके बारदाने का प्रबंध कर पहला करना चाहिए सी। सौ चो दो ढेरी लग रही है, तो सौ चो दो ढेरिया की बोली लग रही है, 98 बच रही ने, अगले दिन फिर 100 आने, 198 हो गए। तो मंडिया के ओवर फ्लो होने का या सोशल डिस्टेंसिंग का जोड़ा फैसला कितने ना कितने फिर उलंघना हो जूगी। देखो तीजा दिन है हजे, हुणे तो ही समस्यावां शुरू हो गई। तो कल वाला जिहड़ा माल आया सीगा वह नहीं चुक्या गया। मैं FCI दे इंस्पैक्टर नाल गल कीती, कहिंदे बारदाने की कमी है। ADC नाल गल कीती, कहिंदे जी ट्रक वालियां दी कोई प्रॉब्लम सी, अज सॉल्व हो गई, अज 3 बजे जिहड़ा बारदाना मिल जूगा। उन्हां दा DM जिहड़ा FCI उत्थे बैठे सी नाल उन्हां दे, ते अज 3 बजे ते लगभग जिहड़े बारदाना इस मंडी शूलर घराड़ी च आ जाऊगा। कल वाला माल चक्या जाऊगा तां कि परसों कल वाले माल वास्ते, अगर आने वाली कल वास्ते जगह बन सके, नहीं तो यह अज मंडी सारी भर जूगी, उस तो बाद कितने जावे फिर? 3 दिन के सारा सिस्टम फेल हो गया। 45 दिन चलाने कहते हैं, किमें चलाउंगे? ना कोई पीने वाले पानी का प्रबंध है। सो मैं सारिया मंडिया का दौरा करूँगा, जो जो भी समस्यावान होगी मैं DC साहब ना शाम को मीटिंग करके उन्होंने सारा अपडेट करूँगा। सरकार वालों दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चल रहा है, पूरे पुख्ता प्रबंध रहे, बारदाने नहीं है कि किस तरह प्रबंध कादे प्रबंध ने जी? तुसी परसों वाली ढेरियां पईयां हजे तक घराचों के सारिया ढेरियां कल बोली लग गई सी, कल बारदाना नहीं आया, सारिया उत्थी फेर पईयां ने। सो इस करके बारदाने का प्रबंध कर पहला करना चाहिए सी। कदों दे इह गल्लां करदे आ, अखबारां च ही गल्लां करदे आ, जां सिर्फ AC कमरे च बैठ के ही अपनी प्लैनिंगा बनाते हैं, मंडिया जाके देखो हालात की ने। सो ग्राउंड जीरो तो रिपोर्ट जी होर जाती है। इस करके मैं कला जाना ना, मैं किसी दसदा ना, मैं कोई गनमैन लेके जाना, क्योंकि मैं सोशल जी डिस्टेंस है वो मैं पालना करदा, करफ्यू का पास बनाया हुआ, तो सारिया मंडिया जाऊँगा, कल ही जाऊँगा। मेरा नाम जीत सिंह है जी। कल दे आए हुए हैं जी। दिक्कत आ रही दिक्कत है जी, कोई बोली वाले नहीं, कोई इंस्पैक्टर ही नहीं आता जी, है कोई बोली नहीं, कोई सानू तो पूछा नहीं हूँ तक भी, हूँ भी 3 वर्जन वाले ने कोई नहीं आया प्रशासन वाला। पीण का पानी कोई वो नहीं जी, आड़तियों को कहा, पर साडे आड़ती है तो एवं सू कही रखते हैं कि सानू मिलता है, असं उन्होंने क्यों बदनाम करिए? हाथ साफ करने वास्ते भी साडे का रखे हुआ, तो बाकी पीण वाला भी सानू कोई मोक्चर नहीं जी। 11 मोक्चर है मेरी ढेरी का, हूँ ढेरी भर लो, कल मार्केट वाले चेक करा के फिर ढेरी लाई है मैं, भी जे नहीं आँगी जी मैं आपकी घर मोड़ के लै जाऊँ, जे मेरी आँगी है मैं दिक्कत ना आए। वो कहते लै जाओ हूँ दोबारे चेक कर लो, जो 11 तो 12 हुई मैं चक के ले जाऊँगा। गुरतेज सिंह जी, कल दे आए जी 10 बजे। दिक्कत दिक्कत तो यही आ रही है जी, मेरी बुक्चर 10 आई है, तो मेरी ढेरी दोबारे छाने लग रहे ने, कहना पुरानी कणक इंस्पैक्टर कहना पुरानी कणक रली हुई है बिच, कोई पुरानी कणक का दाना जो कट दे 10,000 जुर्माने का रख लो। अच्छा, हाँ पानी पीण नूं उरे कोई नहीं मंडी जी। की मांग करदे हो? असीं सारा पानी का जिमीदार कितने जाके पी के आउंदा कितने, असीं कहिंदे भी पानी पीण नूं चाहीदा जी। प्रशासन तो की मांग करदे बाबा जी? असीं प्रशासन तो यही करदे जी, साडी उस तो प्रदूषण खराब हो रहा, साडी माल जो कि साडा चक्या जावे, साडे दुआरे दुआरे पखे ना लगन। आदित्य कुमार। आदित्य जी, अगर मंडी की बात करें तो कैसे चल रही है मंडी का हाल, क्या है? मंडी ठीक चल रही है जी, 2 एजेंसियां अभी परचेस कर रही हैं, अभी आज कुछ थोड़ा सा ट्रक का इशू था इसलिए मैं भी परचेस डालता, लेकिन वो नहीं हो पाया, इस वजह से परचेस नहीं हो पाई।
किसानों को ब्लेम लगा रहे हैं कि हम कल से आए हुए हैं, हमारी अभी तक नहीं, कल मैं आया था यहाँ पर नहीं, फिर उठाई क्यों नहीं गई? उठाई इसलिए नहीं गई क्योंकि कल बारदाना अवेलेबल नहीं था मेरे पास उस टाइम पे, ट्रक का इशू था, लेबर का इशू था, क्योंकि वहाँ से स्पेशली भी जा रही है डेली। ओके, हमारा फूड ग्रेन आपको पता ही है, एफसीआई के अंदर आप देख ही रहे हैं कितना हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली दोनों काम करने के लिए थोड़ा सा लेबर के इश्यूज आ रहे हैं, वो आप भी जान ही रहे हैं, तो वो इश्यूज हैं थोड़े से। तो अभी कब तक उम्मीद है, क्योंकि किसान परेशान हो रहे हैं वो? मैं तो आज ही चाह रहा हूँ आज ही हो जाए, बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सिंगल हैंडेड, बाकी मैंने वहाँ पे बात की है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो मान तो तुम मंडियों का दौरा करके आए हो तो अगे भी जाना है, सू किस तरह महसूस हो रहा है भी ये खरीद सही चल रही है? तो खरीद पक्षों थोड़े एफसीआई की प्रॉब्लम सी, कोई ट्रकों वाले उन्होंने का इशू सीगा, एडीसी साहब ने मैं गल की, अज 3 बजे एफसीआई भी जी अपनी बोली तो अपना बारदाना लेके आ रही है, तो क्लीयरेंस जी है वो छेती होने लग जूगी हूँ, तो कुछ बारदाने की कमी आ रही है कि कल जिमें घराचों मैं मंडी च गया माल सारा पखा लग गया, सब कुछ हो गया, बोली लग गई, पर बारदाने की कमी करके नहीं चक्या गया, कल अज चकन गए। सो जे आप क्योंकि प्लैन ही बनाया गवर्नमेंट ना मिलकर असी कि जिन्ने कूपन जारी करोंगे उस दिन 7 बजे तक क्लीयर होने चाहिए हैं मंडी, तक अगले कूपन वास्ते जगह बन गई। तो फिर जे जिमें शेरों मंडी कल सिर्फ 2 ढेरिया बोली लगी है, बाकी सारा मॉइस्चर कह के वो छड़ गए, तो मैं डी साहब ने गल की वह भी बोली अज लग जूगी, तो यह ना हो कि 100 चो 2 ढेरी लग रही है, तो 100 चो 2 ढेरिया की बोली लग रही है, 98 बच रही ने, अगले दिन फिर 100 आने, 198 हो गए, तो मंडिया के ओवरफ्लो हो या सोशल डिस्टेंसिंग का जोड़ा फैसला है कितना ना कितने फिर उलंघना हो जूगी। सो मैं खुद भी पास बनाया हुआ करफ्यू का, एक मेरा तो एक जो मेरे नाम मुंडा असिस्टेंट है, दोनों अलग अलग गड्डिया चाहते हैं, कला गड्डी चला मैं, वो भी कला गड्डी चला, कोई गनमैन ज कोई असी इतने किसी दस्या नहीं हो, किसी वलंटीयर या वर्कर इदा ही आ जाने, क्योंकि जो पहले दस दिए फिर रश हो जाता। सो फिर फिर असी जो असी कानून तोड़ा फिर असी लोगों को कानून पालना करने वास्ते कि कह सकते। सो मैं उन्होंने वागू ही करता जे रीबन कटते फिरते हैं मंडिया के काफले लैके बड़े बड़े तो राजनीतियां करते फिरते हैं, इस तरह नहीं चाहिए, वक्त किसी को नीचा दिखाने का ज राजनीति करने का ज किसी तो उपर उठने का नहीं, ये वक्त हैगा कोरोने नाल लड़ाई लड़न का, तो फसलों की सामभ संभाल हो जाए, मौसम परमात्मा करे ठीक रहे, तो क्योंकि इदू पहला भी कणक तो दसंबर जनवरी के बेमौसमी बरसात की मार पै चुकी है, झाड़ घट है पिछली बार नो, तो हूँ तो बस यही दुआ करते हैं कि दाणा दाणा जिहड़ा जिहड़ा मंडी चो चक्या जाए रुले ना, तो दाणा दाणा जिहड़ा विखे ताकि किसान जिहड़ा वो अपने घर खुशी खुशी जाए। बिल्कुल सच, ज्योतिष एक विद्या एक साइंस। एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी दा सारी दुनिया नू खुला चैलेंज कि तुसी जिंदगी दी किसी भी समस्या तो परेशान हो, कि तुहाडे व्याह विच हो रही है देरी, कि तुसी संतान सुख तो वांझे हो, कि तुहानू तुहाडा मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, कि तुसी लाउणा चाहुंदे हो लॉटरी दा सही नंबर, कि तुहानू नौकरी नहीं मिल रही, कि तुहाडा वीजा नहीं लग रहा, कि तुसी विदेश च पक्का होना चाहुंदे हो, धन दी कमी, बीमारी तो परेशानी, घर बैठे बिठाए ही किया जाएगा तुहाडी समस्या का समाधान फीस कम होने तो बाद। इन्हां सारियां समस्यावां दे पक्के हल एक बार जरूर मिलो एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी नूं, जो करदे ने मुफ्त सेवा मुफ्त समाधान।